अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी सालसा पास्ता विद राइस किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप अशिया को नोट कर लीजिए। 3 ग्लास बॉइल्ड राइस, 1 पैकेट बॉइल्ड पास्ता, 6 टोमेटोज ग्राइंडेड, 1 चिकन बॉइल्ड, 1 पैकेट बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल, 2 ग्लास ऑफ वेजिटेबल ब्रोथ, 2 कप्स टोमेटो केचप, 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप्ड, 1.5 tablespoon red chili powder, 1/2 teaspoon black pepper, salt to taste, 2 tablespoon corn flour or as required, 1 small onion chopped. Oil में onion को डालकर इसको मैं soft करूँगी। प्याज को थोड़ा soft करने के बाद इसमें मैं garlic डाल दूँगी और इसे भी थोड़ा सा fry करूँगी। गार्लिक को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये टमाटर पेस्ट डाल दूंगी। इसके साथ ही रेड चिल्ली पाउडर डाल दूंगी, सॉल्ट डाल दूंगी और अब इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। टमाटर का वाटर जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है और थोड़ा ये भुन चुके हैं और आप देख रहे होंगे ये ऑयल जो है थोड़ा सा बाहर आ गया है। इस पोजीशन में मैं अब इसके अंदर टमाटर केचप डाल दूंगी। सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, अब इन सबको मिक्स करके थोड़ा सा और पका लूंगी। सब चीजों को थोड़ा सा पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं ये चिकन डाल दूंगी। वेजिटेबल्स डाल दूंगी, और इन्हें मिक्स कर लूंगी। चीजों को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ये मैं ब्रोथ डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूंगी। सब चीजों को उबालने के बाद इसके अंदर मैं ये 4 टेबलस्पून शुगर डाल दूंगी, ये मैं भूल गई थी आपको बताना, और इसे भी 1 मिनट तक पका लूंगी। शुगर को 1 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर की पेस्ट डाल दूंगी ताकि ये थिक हो जाए। देखिए अब ये थिक हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये बॉइल्ड पास्ता डाल दूंगी और इसको भी गर्म होने तक कुक करूंगी। ये तैयार हो गया है, अब इसको मैं राइस के ऊपर डाल दूंगी। नाज़रीन, अब गरम गरम सालसा पास्ता विद राइस मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप इसको इसी तरह बनाकर गरम गरम पेश कीजिएगा, ये खाने में बेहद लजीज होता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज लाइक माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।